हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आप सभी जानोगे रेडमी स्मार्टफोन के कुछ खुफिया और हिडन सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली सेटिंग है दोस्तों, कॉल परमिशन सेटिंग। दोस्तों, अगर आप अपने फोन में इस सेटिंग को ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर सामने वाला बंदा आपको फोन करता तो आपको फोन ऑफ बताएगा या फिर अनरीचेबल बताएगा। तो कमाल की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपके फोन में नेटवर्क भी रहेगा, साथ ही यहाँ पर आप अपने इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को ओपन करने के लिए चलिए चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको सिम का दोनों सिम यहाँ पर आप सभी को इजिली शो हो रही है। एक जो है हमारा जियो का और दूसरा हमारा जो वोडाफोन का है। अब इसमें हम जिस सिम पे चाहें उसका जो कॉल परमिशन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं जियो वाला सिम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जो इसका इस वाली सेटिंग को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर आपसे कॉल पर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है। तो कैसे लगी आप सभी को यह सेटिंग, से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट सेटिंग क्या है हमारी, तो चलिए देखते हैं। इंटरनेट डाटा यूज परमिशन। दोस्तों, इस सेटिंग की मदद से आप अपने फोन के किसी भी एप्लीकेशन का इंटरनेट डाटा यूज परमिशन ऑफ कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने फोन के व्हाट्सएप इंटरनेट डाटा यूज परमिशन को ऑफ कर देते हैं तो वहां पर आपके व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज नहीं सेंड होगा और ना ही आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज रिसीव होगा। तो दोस्तों, इस सेटिंग को कैसे ऑन करना, चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं अपने स्मार्टफोन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है इंटरनेट डाटा यूज परमिशन को ऑफ करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला कनेक्शन एंड शेयरिंग का, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है डाटा यूज का, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन शो हो रहे हैं जो भी हमारे फोन में स्टोर हैं। और यहाँ पर आप सिस्टम एप्लीकेशन को भी ऑफ कर सकते हैं, सिस्टम ऐप के नाम से भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अपने सिस्टम ऐप को भी डाटा परमिशन यूज ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पर अपने व्हाट्सएप का जो है डाटा यूज परमिशन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल डाटा सिम वन और सिम टू और वाईफाई। यहाँ पर अगर हम तीनों को ऑफ कर सकते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी डाटा अगर कनेक्ट करेंगे या अपना इंटरनेट ऑन करेंगे तो यहाँ पर ना तो व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज सेंड होंगे और ना ही हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज रिसीव होंगे। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट सेटिंग पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग हमारी क्या है, यहाँ पर गैलरी वीडियो प्ले फास्ट मोशन एंड स्लो मोशन। ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते हैं कि बहुत ही फास्ट हैं या फिर बहुत ही स्लो हैं, अगर आपके पास कोई स्लो मोशन वीडियो आ गया है या फिर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जो कि आपको देखना भी है और आप चाहते हैं कम टाइम में इसको हम देख सके, कम टाइम में इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो उसकी टाइमिंग को आप फास्ट मोशन और स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से एक बार आपको चलना अपने स्मार्टफोन पे। तो गैलरी वीडियो फास्ट एंड स्लो मोशन में प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जिस वीडियो को फास्ट एंड स्लो मोशन में प्ले करना है उसको ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप ओपन करोगे और इस वीडियो को प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट शो हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि वीडियो का जो टाइटल नेम है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट शो हो रहे हैं, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इसकी स्पीड को फास्ट एंड स्लो कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग क्विक बॉल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कई बार हमारे फोन में क्या होता है कि हमारे जो होम और बैक बटन या फिर आपका जो मेनू बटन वो वर्क नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपके ये तीनों बटन नहीं वर्क करते हैं तो आप इस सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं और जिससे आप अपने फोन को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको अनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए एक बार चलते हैं फिर से अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। तो क्विक बॉल सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने अपने स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको जाना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको नीचे जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्विक बॉल, यहाँ पर आपको इसको एनेबल कर देना। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको एनेबल कर दिया और यहाँ पर हमारा जो क्विक बॉल है यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे सारे की शो हो रहे हैं, बैक बटन, होम की और
मेनू और लॉक, उसी के साथ यहाँ पर स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आ चुका है एवं इसको हम किसी भी जगह फिक्स कर सकते हैं, कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैंने थंबनेल के 5 नंबर की सेटिंग की बात की थी, एक स्मार्टफोन में 4 व्हाट्सएप कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पर मैं अभी आप सभी को चला के दिखाने वाला हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इजीली दिखाने वाला हूँ कि एक स्मार्टफोन में 4 व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक फोन में 4 व्हाट्सएप चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना और यहाँ पर आपको 2 व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना है, एक व्हाट्सएप बिजनेस और दूसरा व्हाट्सएप। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मेरे पास दोनों व्हाट्सएप ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर अब आना आपको सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स में। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं ऐप्स को ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि ऐप्स का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जाना है डुबल ऐप पे। जैसे यहाँ पर मैं डुबल ऐप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे फ़ोन की सारी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी और यहाँ पर मैं दोनों व्हाट्सएप को डुबल क्रिएट कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि एक हो चुका और दूसरा व्हाट्सएप जो हमारा है वो नीचे से हो रहा है, तो यहाँ पर इसको भी डुबल क्रिएट कर सकते हैं। आप चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर 4 व्हाट्सएप हो चुके हैं या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे फ़ोन में जो 4 व्हाट्सएप आ चुके हैं, अब यहाँ पर हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करके इसमें अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों यहाँ पर हमारी है चार्जिंग नोटिफिकेशन लाइट। दोस्तों आपने एमआई के स्मार्टफोन में देखा होगा कि जो हमारे होम बटन और बैक बटन इस तरह के बटन होते हैं या फिर चार्जिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर एक छोटा सा लाइट शो होता है चार्जिंग के टाइम, जब हम जैसे ही हम चार्जिंग पे एंड करते तो वहाँ पर एक लाइट शो होता है। अगर आपके फोन में नहीं शो हो रहा है तो उसको हम कैसे इनेबल करेंगे, उसको कैसे ऑन करेंगे, जैसे ही हम चार्जर एंड करें और वो लाइट ऑन हो जाए। तो अब आपको यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे कि मैंने फोन की सेटिंग को ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्लाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग के नाम से, सिंपल आपको इसको ओपन कर लेना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है नोटिफिकेशन लाइट, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दो सेटिंग देखने को मिल रहा है, एक तो होगा हमारा चार्जिंग के टाइम जो लाइट ऑन होता है और दूसरा हमारा जब भी हमारे फोन में कोई भी नया मैसेज आएगा तो यहाँ पर ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों सेटिंग को एनेबल कर देंगे, जो कि हमारा ब्लिंक लाइट और दूसरा हमारा लाइट अप व्हेन चार्जिंग, तो इसको हम एनेबल कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग, वन हैंडेड मोड। तो दोस्तों ये वन हैंडेड मोड क्या होता है, कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे छोटे छोटे डॉट आ जाती है या आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पे ब्लैंक हो जाती है, छोटा सा टूट जाता है, तो वहां पर आप अपने स्मार्टफोन के कुछ एप्स नहीं शो होते हैं या आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर अगर आपकी पूरी स्क्रीन नहीं गई तो आप वन हैंडेड मोड का यूज करके आप अपनी फुल स्क्रीन को देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर अपने फोन को पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं, पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को कैसे ऑन करना है तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर से चलते हैं एक बार अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे। 100 मोड सेटिंग को एनेबल करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने अपने फोन की सेटिंग को ऑन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है एडिशनल सेटिंग, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं क्विक बाल, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको 100 मोड सेटिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको अनेबल करते हो उसके बाद में यहाँ पर आप इसको, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ पर शो हो रहा कैसे करना आपको फुल स्क्रीन में करने के लिए, और यहाँ पर हाफ स्क्रीन करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं उसी तरह करता हूँ और यहाँ पर जो है मेरा स्क्रीन छोटा हो चुका। अब अपने फ़ोन को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। हम अभी अपने फ़ोन की छोटी स्क्रीन को यूज कर रहे हैं और हमारा फ़ोन पूरी तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने व्हाट्सएप को चला भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं मेरा फ़ोन जो है छोटा हो चुका है, चैट भी कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर इस स्क्रीन पे कर सकते हैं। अगली सेटिंग है दोस्तों हमारी स्मार्टफोन ओनर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको फोन फ्यूचर में कभी गिर गया है या फिर गुम हो गया है तो इस सेटिंग की मदद से आप अपने फ़ोन को वापस पा सकते हैं या आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, अगर आपको फ़ोन बाय डिफॉल्ट कहीं गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हो तो आपको फोन मिल सकता है, क्योंकि आप इसके अंदर अपना एड्रेस या अपना मोबाइल नंबर या अपना नाम ऐड कर सकते हो, जो कि अगर जो भी बंदा पाएगा आपको कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपको फोन जो मेरे पास है यहाँ से आके आप रिसीव कर सकते हो। सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको एक बार फिर से चलना होगा स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर दिखाते हैं आपको कैसे सेटिंग को ऑन करना है। दोस्तों स्मार्टफोन ओनर इन्फॉर्मेशन सेटिंग को अनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर आपको जाना है
है लॉक स्क्रीन पे। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको अपना नंबर या फिर अपना एड्रेस या अपना नाम ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेम के साथ अपना नंबर भी ऐड कर दूंगा, जैसा कि यहाँ पर मैं कोई भी एक फिलहाल एग्जांपल के लिए यहाँ पर नंबर ऐड कर बैक आ जाना। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर ये नंबर शो हो रहा है और साथ ही मेरा नाम भी शो हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि इस नंबर की मदद से आपको कोई भी कांटेक्ट कर सकता है और आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि आपका जो फोन है वो मेरे पास है, आप यहाँ से आके इसको रिसीव कर सकते। अगली सेटिंग है दोस्तों हमारी एप्लीकेशन साइज। तो दोस्तों ये सेटिंग एजेड लोग या फिर जो कि एज से काफी ज्यादा एज हो चुकी है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कि स्मार्टफोन यूज करते हैं या फिर एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी मदद से अपने स्मार्टफोन की एप्लीकेशन की जो साइज है उसको बड़ा कर सकते हैं फिर उसको छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसका साइज जो है फिक्स कर सकते हैं, कैसे आप इसका साइज जो है बड़ा और छोटा कर सकते हैं। एप्लीकेशन साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा होम स्क्रीन का। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको आइकन का साइज दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से आप अपने आइकन को एक नया साइज दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एम साइज था अब मैंने यहाँ पर एल साइज दे दिया और एक्सएल का दे दिया। तो यहाँ पर आप इसका जितना चाहो उसका साइज बड़ा कर सकते हो या फिर उसका साइज उतना ही छोटा कर सकते हो। साइज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना और आपका जो साइज है वो सेट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम अपनी लास्ट और एंड सेटिंग के बारे में, जो कि हमारा कैमरा, जो कि दोस्तों हम कैमरे के बारे में बताने वाला हूं कि यहां पर आपके स्मार्टफोन की जब भी आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो तो यहां पर आपके फोटो के नीचे एक वाटरमार्क शो होता है जो कि डिवाइस के नाम से होता है। यहां पर अगर हम Redmi Y3 स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो वहां पर Redmi Y3 का लोगो शो होता रहता है। तो उसको रिमूव करने के लिए यहां पर आपको क्या करना है, उसके लिए यहां पर मैं चलता हूं सबसे पहले आपको गैलरी में दिखा दूं कि फोटो पर किस तरह से वेटर मार्क शो होता है। उसके बाद में मैं यहां पर इसको इजीली रिमूव करके आप सभी को दिखाने वाला हूं। यहाँ पर आज की जो ये फोटो है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइस का नेम शो हो रहा है, इसका वेटर मार्क शो हो रहा है और यहाँ पर डेट भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर कई कई फोन में डेट तो नहीं शो होती है लेकिन यहाँ पर डिवाइस का नेम जो है वो शो होता ही रहता है। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के कैमरे को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही है सिंपल आपको, देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको सेटिंग का लोगो शो हो रहा है। तो सेटिंग पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपको वेटर मार्क का ऑप्शन देखने को मिला है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पर दोनों को ऑफ कर देना। अब यहाँ पर हम कोई भी फोटो क्लिक करेंगे जो हमारी फोटो पे डिवाइस का नेम शो होता है या फिर जो हमारे फोटो पे टाइमिंग शो होती वो नहीं शो होगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।